हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीएच मीटर के बारे में, है ना, कि पीएच मीटर में हम पीएच कैसे मेजर करते हैं। तो पीएच जो है, हम जैसे बात करते हैं, दो तरीके का होता है, एक एसिडिक होता है और एक एल्कलाइन होता है ना। और बीच का जो है बफर होता है। तो बफर जो पीएच होता है ना, वो कितना होता है, जैसे डिस्टिल वाटर का, तो वो होता है 7.0, है ना। उसके बाद एसिडिक जो होता है, 0 से लेकर जो है 6.9 तक जो है एसिडिक होता है। उसके बाद 7.1 से लेकर के जो है पूरा जो है 14 तक, टोटल जो है रीडिंग हम कहाँ तक लेते हैं, 14 तक, है ना। तो पीएच का पूरा स्केल जो है कहाँ तक होता है, 14 तक होता है ना। तो अब हम जो बात करते हैं दो तरीके का, एसिडिक कैसे मेजर करेंगे और एल्कलाइन कैसे मेजर करेंगे। तो वो जो है हम पीएच मीटर में देख करके जो है कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, कौन सा एल्कलाइन है, वो हम बता सकते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं, ये जो है हमारे पास पीएच मीटर है, माइक्रोन पीएच सिस्टम का जो है पीएच मीटर है हमारे पास, है ना, डिजिटल है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं, पीछे स्विच है इसका, इस तरीके से जो है हमने इसको ऑन कर दिया, है ना। उसके बाद इसमें जो है ये इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास, है ना, ये कैप है। कैप जब हम हटाते हैं तो ये पूरा जो है इलेक्ट्रोड से, ये टिप है जिसको हम सॉल्यूशन में डुबाते हैं। इसके अंदर जो है सिल्वर क्लोराइड का जो है रिएजेंट रखा हुआ है ना। ये पूरा इलेक्ट्रोड से ये वायर है जो कनेक्टेड है कहाँ से, पीएच मीटर से, है ना। ये इलेक्ट्रोड को जो है हम टिप को जो है सॉल्यूशन में डुबाएंगे और उसके बाद पीएच मीटर जो है मेजर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो है, ये जो हमारा पास डिजिटल जो है डिस्प्ले है ना। तो यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले है, तो सबसे पहले यहाँ पर पीएच है, तो पीएच को जो है हम दबाएंगे तो इसमें लाइट जल जाता है, पीएच, है ना। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है पुट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में डालना है। अब इसको जो है हम सॉल्यूशन में डालेंगे, सबसे पहले डिस्टिल वाटर में हमने डाला है ना। उसके बाद जो है इसको इंटर करेंगे, तो इंटर करेंगे तो ये जो है हमारा टाइमिंग बताने लगा, है ना, और बिजी है। अब ये जो है कुछ सेकंड बाद जो है हमारा पीएच रीड करके देगा। है ना, इस तरीके से। तो ये जो है 7.26 के करीब जो है ये पीएच दे रहा है ना। ये 7 है, बफर है ये, है ना, थोड़ा बहुत जो है अंतर आता है, तो 7 के समथिंग इसका पीएच है, तो ये बफर है ना। डिस्टिल वाटर का जो है हमने पीएच मेजर किया है ना। तो इसके बाद जो है ये हो गया। अब जो है इसको जो है फिर दूसरे सॉल्यूशन का हमें जो है पीएच मेजर करना है। उसके पहले इसको जो है टिश्यू पेपर से आप साफ़ कर लीजिए, है ना। उसके बाद जो है इसको एबॉर्ट कर दीजिए, है ना। अब जो है हमें, ये हमारे पास एसिडिक है ना, तो एसिडिक का जो है हमें पीएच देखना है। ये एसिड है, तो इसको जो है पीएच देखने के लिए अगेन जो है पीएच पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है पुट सॉल्यूशन बोला है, तो इसको सॉल्यूशन में डुबाना है इस तरीके से और इंटर दबाना है। अब इंटर दबा करके देखेंगे कि एसिडिक का पीएच कितना देता है। टाइमिंग बता रहा है ना, कुछ सेकंड बाद जो है इसमें बता देगा पीएच कितना है ना। तो इस तरीके से जो इसका पीएच जो है 1.19 के समथिंग बता रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है ना। एक्चुअली हमने जो इसमें एचसीएल लिया हुआ है डिस्टिल वाटर के, सॉरी एल्कोहल के साथ, तो इसका जो है पीएच ये बता रहा है ना। तो ये हो गया एसिडिक। उसके बाद जो है हम इसको अगेन एबॉर्ट करते हैं और इसको फिर से जो है अच्छे से जो है साफ़ कर लेते हैं इलेक्ट्रोड को। इस तरीके से साफ़ करने के बाद जो है, अब जो है हमें एल्कलाइन का पीएच देखना है, एल्कलाइन का पीएच कितना बताएगा। अगेन पीएच पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पुट सॉल्यूशन बोला, सॉल्यूशन में आप रख दीजिए इसको, उसके बाद इंटर दबाइए। फिर से टाइमिंग दे रहा है, उसके बाद कुछ सेकंड बाद जो है पीएच रीड करके हमें दे देगा। है ना, तो ये जो आपको रीडिंग दिखाई दे रहा है ये एल्कलाइन का है ना। 7 से ऊपर जो है 8.6 के समथिंग दे रहा है ना। तो ये जो है स्लाइटली एल्कलाइन है ना। ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया, इसमें एक्चुअली हमने ट्रिस डाला है ना, तो इसलिए जो है ये एल्कलाइन हमारा। तो इस तरीके से जो है तीन हमने अलग अलग जो है मेजरिंग देखा है ना। पहले बफर का देखा, डिस्टिल वाटर का जो है 7, उसके बाद जो है एसिडिक का देखा हमने, एसिडिक का कितना है ना, 7 से नीचे जो है वो एसिडिक होता है। उसके बाद जो है एल्कलाइन का देखा, एल्कलाइन का जो है कितना होता है, 7 से ऊपर। तो इस तरीके से जो है दोस्तों, हमें जो है पीएच मीटर के द्वारा, डिजिटल हमारे पास पीएच मीटर है, तो इसके द्वारा जो है हम पीएच कैसे मेजर करते हैं वो हमने देखा। इस तरीके से अलग अलग सॉल्यूशन को जो है हम, यदि पीएच हमें जो है मेजर करना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है पीएच मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा एनालॉग
मैं पीएच डिजिटल डिजिटल के अलावा एनालॉग भी मीटर आता है, उससे भी हम पीएच जो है मेजर कर सकते हैं, लेकिन एनालॉग के अलावा जो है ये जो हमारे पास डिजिटल रखा है ये बेटर होता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट रीडिंग जो है ये देता है ना। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसे लगा हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, है ना, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।